फिल्म की शुरुआत में हम शिफू नाम के एक मास्टर गार्डियन को देखते हैं जो चाइना के शंघाई शहर में रहता था। वो सालों से एक मिस्टीरियस केव के सीक्रेट को प्रोटेक्ट करते आ रहा था। उसके पास एक मैजिकल ब्रेसलेट था जिसके इस्तेमाल से उस केव के एंट्रेंस को ओपन किया जा सकता था। इसलिए वो उस ब्रेसलेट को हमेशा अपने साथ रखता था क्योंकि उस केव में एक ऐसा मैजिकल आर्टिफैक्ट था जिसे प्रोडीजियस कहते थे और वो किसी को भी बेशुमार पावर्स दे सकता था। इसलिए उसका गलत हाथों में पड़ना बहुत विनाशकारी हो सकता था। शिफू सालों से उस केव को प्रोटेक्ट करते आ रहा था पर अब उसे कोई ऐसा भरोसेमंद डिसाइपल चाहिए था जो उसके जाने के बाद उस केव का अगला गार्डियन बन सके। और बहुत कोशिश के बाद भी उसे कोई भरोसेमंद डिसाइपल नहीं मिला। लेकिन जब उसने सारी उम्मीद खो दी थी तब एक रात उसे एक छोटी बच्ची मिली जिसे कोई छोड़ गया था। शिफू ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और उसे फी नाम दिया। इसके बाद से वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा। उसने उसे कुंगफू जैसे कई स्किल्स की ट्रेनिंग दी ताकि वो भविष्य में उसके जाने के बाद उस केव को प्रोटेक्ट कर सके। उसने उस पर भरोसा करके अपना वो ब्रेसलेट भी सौंप दिया। पर एक दिन किसी के कारण शिफू की डेथ हो गई जिसके बाद फी ने हर कीमत पर उस केव की रक्षा करने का प्रण लिया। एक रात जब वो सो रही थी तब किसी ने उससे वो ब्रेसलेट चुरा लिया। इसके बाद से वो और सतर्क हो गई। दूसरी ओर हम फ्रांस के पेरिस शहर में मैरिनेट और एड्रियन नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं। मैरिनेट एड्रियन को बहुत पसंद करती थी पर वो आज तक उसे अपने लव को कन्फेस नहीं कर सकी थी। असल में मैरिनेट और एड्रियन दोनों सीक्रेटली एक सुपर हीरो थे जिनका नाम लेडीबग और कैटनोवर था। लेडीबग को अपनी पावर एक मैजिकल इयररिंग से मिलती थी। वही कैटनोवर के पावर का राज एक मैजिकल रिंग था। वो दोनों साथ मिलकर शहर में हो रहे जुर्म के खिलाफ फाइट करते थे और किसी को उनकी असली आइडेंटिटी का पता नहीं था। साथ ही लेडीबग और कैटनोवर को भी एक दूसरे की असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन मैरिनेट की मॉम उसे अपने अंकल वांग के यहाँ एक पैकेज भेजने के लिए पोस्टल सर्विस भेजती है जो असल में चाइना में रहते थे। पर रास्ते में उसे अपनी दोस्त से पता चलता है कि एड्रियन अपने डैड के साथ किसी काम से चाइना के शंघाई शहर गया है। ये बात जानकर वो बहुत सरप्राइज होती है। वो एड्रियन के लिए वहां जाने का फैसला करती है और वापस जाकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं खुद इस पैकेज को चाइना जाकर अपने अंकल को देना चाहती हूँ क्योंकि मैं कई सालों से उनसे पर्सनली नहीं मिली और वहां जाकर मैं वहां के रूट और कल्चर्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि मैरिनेट अपने पूर्वजों के कंट्री चाइना के रूट्स और कल्चर्स को करीब से महसूस करें। इसलिए वो उसे खुशी खुशी चाइना जाने के लिए अलाउ कर देते हैं और मैरिनेट फ्लाइट से वहां के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर हम एड्रियन को अपने डैड गैब्रियल के साथ चाइना जाते देखते हैं पर यहां हमें पता चलता है कि गैब्रियल के शंघाई शहर जाने का कारण कुछ और था और वो उस सीक्रेट केव में मौजूद उसी मैजिकल प्रोडिजियस को हासिल करना चाहता था ताकि वो बेशुमार पावर्स का हकदार बन सके। वो कल के दिन ही उस प्रोडिजियस को हासिल करने वाला था। उसके पास पहले से ही बटरफ्लाई मिराक्युलस नामी एक मैजिकल जेम्स था जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने वश में करके उनसे ईविल काम करवा सकता था। यहां हमें यह भी पता चलता है कि फी का वो मैजिकल ब्रेसलेट जो चोरी हो चुका था वो उसी के पास था। इसके इस्तेमाल से वो उस केव के एंट्रेंस को ओपन करने वाला था। वहां उसकी बटरफ्लाई मिराक्युलस की क्वामी उसे बताती है कि उसे केव में सुरक्षित तरीके से रखे हुए उस प्रोडिजियस को पाने की जिद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो दुनिया के तबाही का कारण भी बन सकता था। पर गैब्रियल इस प्रोडिजियस की पावर को हासिल करके लेडीबग और कैटनोवर से भी अधिक शक्तिशाली बनकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता था इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। शंघाई पहुंचकर एड्रियन अपने डैड को उसे शहर की टूर कराने को कहता है पर गैब्रियल के पास टाइम ना होने के कारण वो एड्रियन को खुद ही उस जगह को एक्सप्लोर करने को कहता है। दूसरी ओर मैरिनेट भी शंघाई पहुंच चुकी थी जहां वो अपने अंकल से मिलती है पर वो वहां सिर्फ एड्रियन से मिलने के लिए एक्साइटेड थी। तभी उसे अपने स्मार्टफोन के जरिए एड्रियन के लोकेशन का पता चल जाता है इसलिए वो उससे मिलने के लिए अपने अंकल से वॉकिंग का बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो अपने मैजिकल इयररिंग की क्वामी से बात करते हुए एड्रियन को फॉलो करते जा रही थी। इधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो उस अबैंडन्ड प्लेस से होते हुए उस सीक्रेट केव की लोकेशन तक पहुंच चुका था लेकिन वो केव यानलिंग के मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्टेड था इसलिए अब उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसे वो अपने बटरफ्लाई मिराक्युलस से अपने वश में कर सके और उसकी मदद से उस बैरियर को तोड़ सके। दूसरी ओर हम उसी शहर में फी को देखते हैं जो ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके डैड के साथ क्या हुआ था और उनकी मौत कैसे हुई थी और सिर्फ एक इंसान था जो उसे इस बारे में बता सकता था। पर इस राज के बदले में उसने फी से ढेर सारे पैसों की डिमांड की थी इसलिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए वो स्ट्रीट्स में छोटी बड़ी चोरियां किया करती थी। वहां जब वो एड्रियन के हाथ में एक रिंग को देखती हैं तो उसे कीमती समझकर चुराने की कोशिश करती है पर एड्रियन के बॉडीगार्ड के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। वही एड्रियन को अपनी क्वामी से बात करने के दौरान याद आता है कि इसी शहर में मैरिनेट के अंकल का रेस्टोरेंट भी है
इसलिए वो वहां जाने का फैसला करता है। तभी मैरिनेट मैप में फॉलो करते हुए उसके करीब पहुंच जाती है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, फी चुपके से उसका पर्स चुरा लेती है, जिसमें उसकी क्वामी भी थी। वो एक ऐसी मैजिकल क्रिएचर थी जो मैरिनेट के इयररिंग में वास करती थी और उसे उसकी मैजिकल पावर्स देती थी। पर फी को चोरी करते हुए कुछ लड़के देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तब तक एड्रियन भी वहां से निकल चुका था, इसलिए मैरिनेट ये सोचकर उन लड़कों का पीछा करने लगती है कि शायद वो उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। पर वहां उसे पता चलता है कि उसकी वो मैजिकल इयररिंग और क्वामी दोनों ही उसके पास नहीं थे, इसलिए अब वो लेडीबग में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती थी। इधर फी कुंगफू स्किल के इस्तेमाल से उन लड़कों से अपना पीछा छुड़ा लेती है। दूसरी ओर एड्रियन मैरिनेट के अंकल के रेस्टोरेंट पहुंच चुका था और वहां वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि मैरिनेट भी इसी शहर में है, इसलिए वो उसके आने तक वहीं उसका वेट करने का फैसला करता है। दूसरी ओर मैरिनेट का पर्स चोरी होने के साथ ही उसका स्मार्टफोन भी छिन चुका था, इसलिए बिना मैप के सहायता के वो घर नहीं जा सकती थी और ट्रांसलेटर ना होने के कारण उसे वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वहां सभी चाइनीज भाषा बोलते थे। इधर फी मैरिनेट से चोरी की गई चीजों को एक पॉन शॉप में ले जाती है, जहां का ओनर कैश को उसके डैड शिफू की मौत का रहस्य पता था, जिसके बदले में उसने फी से पैसों की मांग की थी। पर कैश उन चीजों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता और उनकी बहुत कम कीमत लगाता है। ये सुनकर फी बहुत गुस्सा हो जाती है और कैश से कहती है कि इतने कम प्राइस में ये चीज तुम्हें देने से अच्छा मैं इन्हें उसी बेचारी लड़की को वापस लौटा दूं जिससे मैंने ये चीजें चुराई थी। इस पर कैश उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम उस लड़की को यहां ले आओ, अगर ये चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी तो इनके बदले में वो अच्छी रकम दे सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड की मौत की सच्चाई भी बता दूंगा। फी के पास और कोई उपाय ना होने के कारण वो मैरिनेट को ढूंढने निकल जाती है और फाइनली उसकी आईडी की मदद से वो उस तक पहुंच भी जाती है। मैरिनेट को जब पता चलता है कि फी इंग्लिश बोल सकती है तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद वो फी को अपनी परेशानी बताती है कि किसी ने मेरा स्मार्टफोन, पर्स और इयररिंग सब कुछ चुरा लिया और उनके बिना अब मैं घर भी नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर फी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे उसी पॉन शॉप लेकर जाने लगती है। मैरिनेट उससे मिलकर बहुत खुश होती है और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर वांग के बहुत कॉल करने के बाद भी जब मैरिनेट कॉल रिसीव नहीं करती तो एड्रियन उसे ढूंढने जाने का फैसला करता है और वो चुपके से अपने मैजिकल रिंग और क्वामी की मदद से कैटनोवर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मैरिनेट को ढूंढने निकल जाता है। इधर फी मैरिनेट को लेकर उसी शॉप पहुंचती है। वहां मैरिनेट अपने इयररिंग को देखकर बहुत खुश होती है, पर कैश उसके चीजों को वापस लौटाने के बदले में ढेर सारे पैसों की मांग करता है। ये सुनने के बाद फी कैश से मैरिनेट की मजबूरी का फायदा उठाने के कारण उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह क्वामी जब मैरिनेट को देखती है तो चुपके से उसके पास चली आती है, पर फी मैरिनेट की मदद करना चाहती थी इसलिए वो उसके असली इयररिंग को एक फेक इयररिंग से रिप्लेस कर देती है और उसे बाद में खरीदने का बहाना बनाकर मैरिनेट को शॉप से बाहर ले आती है। पर उनके जाते ही कैश को उनके चीटिंग का पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है, इसलिए मैरिनेट और फी उनसे बचकर भागने लगते हैं। उस दौरान मैरिनेट को फी के सामने लेडीबग बनने का टाइम नहीं मिल पाता। उनसे बचते हुए फी मैरिनेट को अपने सीक्रेट केव के लोकेशन पर ले आती है। वहां वो मैरिनेट को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो इस मैजिकल केव की प्रोटेक्टर है, पर एक रात उसका एक ब्रेसलेट चोरी हो गया। उस ब्रेसलेट की मदद से इस केव के एंट्रेंस को आसानी से ओपन किया जा सकता था, जिसके बाद इसमें छुपे एक पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट प्रोडीजियस को हासिल करना बहुत आसान हो जाता, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उस प्रोडीजियस को किसी और के हाथों नहीं लगने दे सकती थी। वहां गैब्रियल पहले से ही मौजूद था, जो किसी को उस केव के मैजिकल बैरियर को तोड़ने के लिए वश में करने की फिराक में था। तभी कैश उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। यहां हमें पता चलता है कि गैब्रियल ने उस ब्रेसलेट को कैश से ही खरीदा था और फी के डैड के मौत का जिम्मेदार भी वही था। मौके का फायदा उठाकर वो अपने बटरफ्लाई मिराक्यूलस की मदद से हॉक मौत नामी विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने बटरफ्लाई की मदद से कैश को अपने वश में कर लेता है। इसका एहसास होते ही मैरिनेट लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होने के लिए वहां से चली जाती है। वहीं हॉक मौत के कारण कैश अब एक ईविल सिल्वर वॉरियर बन चुका था। उसके पास मौजूद सिल्वर ब्लेड किसी भी बैरियर को तोड़ सकते थे, इसलिए वो कैश को उस मैजिकल बैरियर को तोड़ने का ऑर्डर देता है। इधर मैरिनेट अब अपने असली इयररिंग और क्वामी की मदद से लेडीबग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो कैट नोवर को कॉन्टैक्ट करके अपनी लोकेशन पर बुला लेती है। दूसरी ओर फी कैश को उस मैजिकल बैरियर को तोड़ने से रोकने के लिए उसका सामना करने की कोशिश करती है, पर हॉक मौत उसे वहां से दूर फेंक देता है और कैश फाइनली उस बैरियर को तोड़ देता है, पर लेडीबग फी को बचा लेती है। इसके बाद वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो दोनों हॉक मौत को रोकने जाते हैं।
इधर हॉक मॉथ उस प्रोडिजियस के मैन एंट्रेंस के पास जाता है, जिसे वो उस ब्रेसलेट की मदद से ओपन करने में कामयाब रहता है, और वहां उसे उस प्रोडिजियस का लायन प्रोटेक्टर मिशी मिलता है। पर हॉक मॉथ को बस उस प्रोडिजियस से मतलब था, इसलिए वो उसे लेने के बाद कैश को मिसी का सामना करने के लिए छोड़ जाता है। पर तभी वहां लेडीबग उसे रोकने आ जाती है और फी को वो प्रोडिजियस मिल जाता है। पर कैश अपने सिल्वर ब्लेड के कारण लेडीबग पर बहुत भारी पड़ता है। तब फी उस प्रोडिजियस नेकलेस को अपने गले में पहन लेती है, जिससे उसकी पावर एक्टिवेट होने लगती है, और उसकी मदद से फी लेडी ड्रैगन नामी सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद उसे कई तरह के एनिमल स्पिरिट नजर आने लगते हैं, जो सभी उसे अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। उस दौरान लेडीबग हॉक मॉथ और कैश दोनों का सामना कर रही होती है। तब उसकी मदद करने के लिए फी उस प्रोडिजियस की मदद से एक खूंखार बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो और लेडीबग दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं। इस दौरान फी अपनी पावर्स का इस्तेमाल अलग अलग क्रिएचर्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए करती है, पर यह सब भी काफी नहीं था, क्योंकि कैश अपने पावरफुल ब्लेड के कारण उन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी वहां कैट नोवार पहुंच जाता है। वहां लेडीबग अपनी लकी चार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिसका इस्तेमाल करके वो और कैट नोवार साथ में कैश के ब्लेड को कैटेलाइज करके डिकुमेटाइज कर देते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। पर इसके बाद हॉक मॉथ मिशी को अकुमेटाइज कर देता है, इसलिए वो करप्ट होकर जायंट ईविल मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब वो हॉक मॉथ के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है और उसे भी डिस्ट्रॉय करके शहर को तबाह करने के लिए उस तरफ जाने लगता है, जिससे पूरे शहर में उसका आतंक शुरू हो जाता है। लेडीबग और उसके बाकी दोनों साथी भी उसके पावर के आगे टिक नहीं पाते। कैट नोवार उसे रोकने में खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, जिसके लिए फी को पावरफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता, पर वो अपने आप को इसके लिए वर्दी नहीं मानती थी। तब लेडीबग उसे हिम्मत देते हुए मोटिवेट करती है और उसे अपने डैड का मकसद याद दिलाती है। इससे फी को बहुत हिम्मत आ जाती है, जिसके बाद वो फाइनली ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो अपने इस फॉर्म में सबसे ज्यादा एक्टिव और पावरफुल थी, इसलिए वो बहादुरी से मिशी का सामना करती है। इसके बाद वो लेडीबग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे वो फाइनली उसे हॉक मॉथ के बटरफ्लाई से डिकुमेटाइज करने में कामयाब रहते हैं। अब मिशी अपने असली रूप में आ चुका था। इसके बाद लेडीबग अपने पावर ऑफ क्रिएशन की मदद से सब कुछ पहले जैसा कर देती है। मिशी को अब यकीन हो चुका था कि फी जैसे जाबाज के हाथ में ये प्रोडिजियस बिल्कुल सेफ है, इसलिए वो उसके काम से खुश होकर वहां से चला जाता है। अंत में फी कैश से अपना बदला ले लेती है और उसे अपना ब्रेसलेट भी वापस मिल जाता है, और उसे मिशी ही क्वामी के रूप में मिलता है। इसके बाद लेडीबग चुपके से मैरिनेट में चेंज होकर कैट नोवार की मदद से घर पहुंच जाती है, जहां वो सभी साथ मिलकर अंकल वांग के डिशेस का आनंद लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।